राज्यपाल अनुसुईया उइके के जिले के दौरे को लेकर भी सीएम बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने अधिकार का मान रखना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी राज्यपाल जो राज्य सरकार से 10 सवाल पूछ रही है या उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उन्हें विधानसभा में पारित बिल पर हस्ताक्षर करना चाहिए या फिर उसे वापस लौटाना चाहिए। अभी कर्नाटक में आरक्षण 56 से बढ़ाकर 61% होने जा रहा है, वहां राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहां राज्यपाल राजनीति कर रही है। आपके पास यदि कुछ शिकायतें आती हैं, उसे आप सरकार को सौंप दें। राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाहकार के तौर पर काम करती है, वे मनोनीत है, निर्वाचित नहीं है। उन्हें फील्ड में जाकर सीधा काम करने का अधिकार नहीं है, वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप पर यहाँ है। संवैधानिक पदों में बैठे हुए व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और कर्तव्य है उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी जैसे राज्यपाल जी ने अतिक्रमण किया, राज्य सरकार से 10 सवाल पूछ रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वापस लौटाना चाहिए। कर्नाटक में अब 61% की सुनाई दे रहा है, 56 तो पहले था, अब 61 भी करने वाले हैं। वहां राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहां राज्यपाल राजनीति कर रही है, राजभवन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। अब दौरा करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, मतलब ये मंत्रिमंडल है, उनके सलाहकार के रूप में। यदि कोई आपके पास शिकायतें आती है, कोई जानकारी आती है, उसे आप सरकार को सौंप दें, सरकार से जानकारी लें, ये उनका कार्य है। वो फील्ड में जाके सीधा काम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं के, जनता की जो समस्या है उसके निदान करने का काम करें। तो कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका कार्य बटा हुआ है, संविधान के दायरे में रह के सबको काम करना है। तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है और उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। यदि आपके पास कोई जानकारी आती है जरूर उसके बारे में जानकारी लें राज्य सरकार से।